खुशी देना कभी मातम न देना। कौशल साहब को एक दुआ देकर जा रहा हूं यहां से कि खुशी देना कभी मातम न देना, खुदाया कौशल साहब को कोई गम न देना। खुशी देना कभी मातम न देना, खुदाया कौशल साहब को कोई गम न देना। और मसरत शादमानी मुस्कुराहट कौशल साहब को ज्यादा ही देना, कम न देना। अरे मसरत शादमानी मुस्कुराहट कौशल साहब को ज्यादा ही देना, कम न देना। के मसरत शादमानी मुस्कुराहट कौशल साहब को ज्यादा ही देना, कम न देना। ये तो भाई नाम लिया हूं कौशल साहब का, और ये आ गए हैं कौन, हैदर साहब आ गए। ये तो गलत बात है जी। नहीं नहीं नहीं, असल बात ये नहीं है नजमी भाई, शादी अभी कौशल साहब की हुई है तो निकाह में भी हैदर साहब को जानी चाहिए, है कि नहीं? लेकिन फिर इसी शेर को पढ़ता हूँ, इंशाल्लाह कौशल साहब आएंगे, मुझे उम्मीद है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं माशाल्लाह जो है। कि खुशी देना कभी मातम न देना, खुदाया कौशल साहब को कोई गम न देना। और मसरत शादमानी मुस्कुराहट कौशल साहब को ज्यादा ही देना, कम न देना। मसरत शादमानी मुस्कुराहट कौशल साहब को ज्यादा ही देना, कम न देना। माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में आप समाप्त कर रहे हैं दोस्तों। आइए अभी मैं चाह रहा हूं कि आपके दरमियान जनाबे नजमे हसन प्रताप गढ़ी को आपके हवाले, आपके रूबरू को सुनेंगे आप लोग जी। एक बार हाथ उठाकर बताएं कितने हजरात नहीं सुनेंगे, जिंदाबाद जी। ये लोग हैं, अब एक बार पूरा मजमा दोनों हाथों को फिजा में लहरा के नबी के नाम पर कह दीजिए सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आइए दोस्तों, अब एक ऐसे लहजे तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं जो रोते हुए को हंसा दे, जो सोते हुए को जगा दे, जो शोला को शबनम, शबनम को शोला बना दे, जो खुफ्ता आजा को हिला दे, जो मगमूम चेहरों पर मुस्कान ला दे, जो थकन को मगन में बदल दे। बड़े ही अदब के साथ अपने बड़े भाई जनाबे नजमे हसन प्रताप गढ़ी का इस्तकबाल, खैर मकदम, वेलकम इन शेर, इन चार मिश्रों के साथ के सुकूते हर्फ को जो अशआर में उड़ान देता है, सुकूते हर्फ को जो अशआर में उड़ान देता है, वही नाते शहे कौनैन से अजान देता है। और तेरा सखी तेरे हर शेर के बदले नजमे जन्नत में आलीशान मकाम देता है। और मैं बेबिसात नकीब तुझ पे क्या निसार करूं, तेरी आवाज पे तो पूरा यूपी बिहार जान देता है। माइक पर जनाबे नजमे हसन प्रताप गढ़ी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डाइस पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, सीनियर शोरा इकराम और गौरी के खूबसूरत लोगों, आपकी खिदमत में आपकी इस खूबसूरत सरजमी पे मेरी पहली मर्तबा हाजिरी हुई है। सिराज भाई, हैदर भाई, कौशल रजा ये भाई की हुक पे आज इस सरजमी पे मेरी हाजिरी हुई है। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा जनाब अशफाक बहराजी साहब ने और हमारे मुफ्ती जबीर साहब ने। आइए एक मतला एक शेर में पढ़ता हूँ और उसके बाद ये पढ़ने के बाद मुझे अंदाजा हो जाएगा कि मुझे आपकी देर आपके बीच कितनी देर पढ़ना है। इजाजत है, एक बार मचल कर बोले सुभान अल्लाह। आज रब हमसे रूठा हुआ है, पहले रब को मनाना पड़ेगा। ये मौलाना साहब, ये मेरा वो शेर है जो YouTube Facebook पर तकरीबन करोड़ों लोगों ने सुना है। गवाह है मुजीब खान मुशायरा मीडिया साहब जो पूरी दुनिया में आपके इस प्रोग्राम को दिखाएंगे। एक बार इजाजत दीजिए मैं फिर से पढ़ता हूँ कि आज रब हमसे रूठा हुआ है, पहले रब को मनाना पड़ेगा, छोड़ कर के हमें सारे दर को फिर से सजदे में जाना पड़ेगा। भाई जिंदाबाद,
चौथा मिश्रा आएगा तब आपको बात मुकम्मल समझ में आएगी कि आज रब हमसे रूठा हुआ है, पहले रब को मनाना पड़ेगा, छोड़ कर के हमें सारे दर को फिर से सजदे में जाना पड़ेगा। सिराज भाई, वक्त के बादशाहों से कह दो इन जमीन के खुदा से कह दो, वक्त के बादशाहों से कह दो इन जमीन के खुदा से कह दो, वक्त के बादशाहों से कह दो इन जमीन के खुदाओं से कह दो, जुल्म से बाज आए नहीं तो फिर उमर को बुलाना पड़ेगा, जुल्म से बाज आए नहीं तो फिर उमर जुल्म से बाज आए नहीं तो फिर उमर को बुलाना पड़ेगा। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद है, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, अल्लाह के रसूल का एहसान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदा बाद है, इस्लाम जिंदाबाद। अब यहाँ से खूबसूरत बंद सुनिए गौरी के लोगों, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी हिम्मत अफजाई, मेरी हौसला अफजाई करेंगे। एक बार मचल कर बोले सुभान अल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, कितने यजीद अब रहा फिर ऑन आए थे, कितने यजीद अब रहा फिर ऑन आए थे, दी को मिटाने आए थे और खुद ही मिट गए, दी को मिटाने आए थे और खुद ही मिट गए, लगता लगता है उनके नाम के अब आगे मुर्दाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे, हैदर भाई, कौसर भाई, अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे, चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे, सलीका हमने सिखाया था जिनको चलने का, वो लोग हमें दाएं बाएं करने लगे, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, हो जाएंगे बर्बाद ये फिरौन की औलाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। अच्छा है भाई साहब, दहलीज पर है सब्र की जब जाग जाएंगे, दहलीज पर है सब्र की जब जाग जाएंगे, लम्हों में तुमको बद्र का नक्शा दिखाएंगे, लम्हों में तुमको बद्र का नक्शा दिखाएंगे, लकड़ी लकड़ी
लकड़ी से हमको अभी है खंजर बनाना याद। इस्लाम जिंदाबाद, एक बार मचल कर बोले इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद है, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। आइए यहां से एक नज़्म पढ़ करके मैं अपनी जगह लेता हूं, पढ़ता हूं, मुलाजा करें। दिलवा अली भाई अता करें नवाजिश। एक अल्लाह नबी, एक कुरान है, एक अल्लाह नबी, एक कुरान है, फिर भी आपस में लड़ता मुसलमान है। एक अल्लाह नबी, क्या करें, सुनिए कि देवबंदी बरेली में लड़ते हैं हम, देवबंदी बरेली में लड़ते हैं हम, लड़के फिर जेल में जाके रहते हैं हम, से दूर जाके जो बैठे हैं हम, इसलिए ये मुसलमान परेशान है। एक अल्लाह नबी। अच्छा है भाई, नजमी हसन प्रतापगढ़ की, क्या कहने भाई, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा कलाम भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, बहुत उम्दा, माशाल्लाह। अल्लाह इस परिवार को सलामत रखे, खुश रखे, एक बार मचल कर बोले आमीन। अब मुझे लगता है कि मैं क्या पढ़ूं आपके बीच, नात पढ़ूं या नज़्म पढ़ूं, क्योंकि सिराज भाई ने कहा कि आपका लहजा थोड़ा सा अलग है, आप कुछ अलग पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक नात पाक का मतलब पढ़कर देखना चाहता हूं कि आप नात सुनेंगे या नज़्म सुनेंगे। पढ़ू मैं, भोजपुरी समझते हैं आप, भोजपुरी जबान। देखिए अगर आप नहीं सुनेंगे तो मैं संस्कृत में पढ़ना शुरू कर दूंगा, संस्कृत में पढ़ दूं। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजा जनम, हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम, सुस्वागतम शाहे उमम, शाहे उमम। समझ में आ रहा है, इसलिए उर्दू में सुन लीजिए, इसलिए वरना मैं संस्कृत में पढ़ना शुरू कर दूंगा। एक नज़्म पढ़ता हूं, सुने, चलो ये कहते अलल एलान, नहीं छोड़ेंगे हिंदुस्तान, है हिंदुस्तान हमारा, हमारी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये नज़्म मैंने उन दिनों पढ़ी थी, नेमतुल्ला भाई सीएबी और एनआरसी के जब चल रहा था वो मामला, तब मैंने ये नज़्म पढ़ी थी, पूरी दुनिया ने बहुत अच्छे से इस नज़्म को सुना था, आप लोगों ने भी YouTube Facebook के जरिए सुना होगा, इंशाल्लाह मैं इस नज़्म को मुकम्मल पढ़ूंगा, आप लोग सुनना चाहते हैं, एक बार मचल कर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हेलो 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 हेलो, आवाज नहीं जा रही। हेलो 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 हेलो, हेलो 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 हेलो, हेलो 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 हेलो। चलो ये कहते अलल एलान, नहीं छोड़ेंगे हिंदुस्तान, है हिंदुस्तान हमारा, हमारी जान से प्यारा। डाइस पर
मुबारक नाम तशरीफ रखते हैं। आजादी में इनकी कुर्बानियां और नजमे हसन प्रतापगढ़ी का ये बंद सुनिए कि आजादी खातिर उलमा मेरे फांसी के फंदे झूल गए, इस देश का ये इतिहास है जो आरएसएस वाले भूल गए, वो जिससे कांपते थे अंग्रेज, सिराज भाई, वो जिससे कांपते थे अंग्रेज था वो अपना सुल्तान है हिंदुस्तान आरा, हमारी जान से प्यारा, चलो ये कह दे अलल एलान, नहीं छोड़ेंगे हिंदुस्तान है हिंदुस्तान हमारा, हमारी जान से प्यारा, जिधर देखो उधर नफरत के ठेकेदार बैठे हैं, जिधर देखो, मैं इशारा करूंगा, नाम किसी का नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे, जिधर देखो उधर नफरत के ठेकेदार बैठे हैं, हमारे मुल्क में हर सिमत अब गद्दार बैठे हैं, हमारे मुल्क में हर सिमत अब गद्दार बैठे हैं, तरक्की हो वतन की तो तरक्की हो वतन की तो बताओ कैसे होगी, जब यहाँ पर चोर ही चौकीदार बैठे हैं, यहाँ भाइयों को जो शामिल करता हूं और ये खूबसूरत ये चार मिसरे सुने, कि हम दीने मोहम्मद की खातिर घर बार लुटा देंगे, लेकिन कहिए इंशाल्लाह, हम दीने मोहम्मद की खातिर घर बार लुटा देंगे, लेकिन सरकार दो आलम का दिल से यह काम नहीं मिट सकता है, सरकार दो आलम का दिल से यह काम नहीं मिट सकता है, और कितनी मस्जिद गिरवाओगे, कितनी मस्जिद गिरवाओगे, कितने कुरान जलाओगे, तुम लाख करो कोशिश लेकिन इस्लाम नहीं मिट सकता है, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने भाई, नजमे हसन प्रतापगढ़ी जिंदाबाद, बहुत उम्दा भाई, बहुत उम्दा, ये है नजमे हसन प्रतापगढ़ी, क्या कहने भाई, ना बदला मिट सकता है, और निमतुल्ला भाई ये चार मिसरे पढ़ता हूँ, और ये चार मिसरे मैंने उन दिनों कहे थे जब हर तरफ के एक नफरत भरा बयान आता था, क्या कि मस्जिदों पे जो सुबह फजर की अजान होती है लाउड स्पीकर से इसको बंद किया जाए। देखिए मैं हदीस की रोशनी में, गौरी वालों, मैं हदीस की रोशनी में और गंगा जमनी तहजीब की रोशनी में उनको जवाब देना चाहता हूँ, अगर लगे कि मैं नजमे हसन प्रतापगढ़ी ने जवाब सच दिया है, हक दिया है, हदीस की रोशनी में दिया है, तो आप लोग जो है मेरी ताईद करना। पढ़ता हूँ चार मिसरे, हदीस का मफहूम है कि जहां तक आवाज अजान की आवाज जाती है शैतान उससे दूर भागता है ना, नजमे हसन प्रतापगढ़ी पढ़ता है, सुनिए कि मंदिर में भजन
मस्जिद में आजा जब रोज सवेरे होती है। चौथे मिसरे पे आपको बात समझ में आएगी और मेरा मशवरा आपको समझ में आएगा। चौथे मिसरे पे आपको सुभान अल्लाह कहना है कि मंदिर में भजन मस्जिद में आजा जब रोज सवेरे होती है। ये ऐसी सदा है सुन के जिसे सूरज भी निकल पड़ जाता है। ये ऐसी सदा है सुन के जिसे सूरज भी निकल पड़ जाता है। तैयार रहना गौरी वालों, मशवरा सुनिए कि इंसान नहीं शैतानों की, इंसान नहीं शैतानों की बस्ती में बसेरा वो कर ले। इंसान नहीं शैतानों की बस्ती बसेरा वो कर ले। कौन सुन कर के आजाज इन लोगों की नींदों में खलल पड़ जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन कर के आजाज इन लोगों की नींदों में खलल पड़ जाता है। और चार मिसरे सुनिए कि हिटलर का है शासन काल यहाँ झूठ की गंगा बहती है। सच जो भी यहाँ पर बोलेगा उसे जेल डाला जाएगा। सच जो भी यहाँ पर बोलेगा उसे जेल में डाला जाएगा। खुद अपनी क्या कह रहे हैं, खुद अपनी बीवी ना संभली, खुद अपनी बीवी ना संभली जिस शख्स से सोचो ऐ नजमे, उस शख्स से हिंदुस्तान भला क्या खाक संभाला जाए। वाह भाई नजमे हसन प्रतापगढ़ी, जिंदाबाद जिंदाबाद। उस शख्स से हिंदुस्तान भला क्या खाक संभाला जाएगा। उस शख्स से हिंदुस्तान भला क्या खाक संभाला जाएगा। आइए एक नाते पाक का एक मतलब दो तीन शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा करें। एक बार मचल कर बोले सुभान अल्लाह। आमीना तेरे घर में, आमीना तेरे घर में नबियों का नबी आया, दिल झूम गया दिल झूम गया दिल झूम गया। आमीना तेरे घर में नबियों का नबी आया, दिल झूम गया। ये शेर सुने कि तलवार उमर लेकर निकले थे उड़ाने सर, तलवार उमर लेकर निकले थे उड़ाने सर, नफरत की शमा लेकर सब नफरत की शमा लेकर सरकार के पास
पहुंचे घर सरकार के चेहरे को जब एक नजर देखा दिल झूम गया दिल झूम गया दिल झूम गया। आइए आखिरी कलाम पढ़ करके मैं अपनी जगह लेता हूं। मचर कर बोल दे एक बार सुभान अल्लाह। अब मैं ये देखना ये चाहता हूं कि यहां पर भोजपुरी जबान को लोग समझते हैं या नहीं। तैबा 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 बुला ले सरकार तड़प के नहीं मरी जाइब। तैबा 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 बुला ले सरकार तड़प के नहीं मरी जाइब। रोजा 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 आप दिखा दे एक बार तड़प के नहीं मरी जाइब। रोजा दिखा दे एक बार तड़प के नहीं मरी जाइब। कि गार में बंद भाई जब हर सुराख हुआ काट के एड़िया में बोलला सपवा काट के एड़िया में बोलला सपवा। आका 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 आप करा दा दीदार तड़प के नहीं मरी जाइब। आका आका आप करा दा दीदार तड़प के नहीं मरी जाइब। शुक्रिया।